सहायक पुलिस कर्मियों के अनिश्चितकालीन आंदोलन को समाप्त करने के लिए आज सरकार की ओर से पहल शुरू की गई। सत्ताधारी दल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और सीपीआई माले के 6 विधायक सर्किट हाउस में आंदोलित सहायक पुलिस कर्मियों के प्रतिनिधि मंडल के साथ वार्ता किए। सहायक पुलिस कर्मियों से वार्ता करने से पहले सत्ताधारी दलों ने इन 6 विधायकों के राज्य के गृह सचिव वंदना दादले, DGP अजय कुमार सिंह और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। इस बैठक में आंदोलन पुलिस कर्मियों के साथ पूर्व में हुई वार्ता और उनकी मांगों की जानकारी विधायकों ने ली। इस पूरे मामले में DGP अजय कुमार सिंह ने क्या कुछ कहा, सुनिए। वो बैठक में तो माननीय विधायकगण का एक ग्रुप है जो कि उनसे वार्ता करेंगे। हम लोग सिर्फ, वैसे तो हम लोग वार्ता कर चुके हैं अपने लेवल पर, लेकिन वो वार्ता में कुछ मतलब वो बात बनी नहीं थी, तो दोबारा ये वार्ता सरकार के स्तर, और जो बेनिफिट्स वगैरह हैं वो बेसिकली उन सबके ऊपर में पहले भी चर्चा हुई थी, आज भी चर्चा हुई है कि जो मानदेय उसमें वृद्धि, एक्सटेंशन के बारे में और बाकी रिजर्वेशन वगैरह जो छूट है, उम्र में छूट देने की बात है, उस सब पर उन ये चर्चा हुई है। और अभी वो सब माननीय विधायकगण जो हैं उनसे जो एजिटेशन कर रहे हैं उनसे जाकर के वार्ता करेंगे। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।